सो गाइस मैंने ये देखा है कि अगर आप जल्दी गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आप सोच रहे होंगे गाइस कि मैं इतनी सुबह सुबह कैसे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं एकदम से। मैं सोच रहा था यार कि मतलब ऐसा सीन हुआ था कि मेरा स्लीपिंग शेड्यूल इतना बेकार हो गया था कि मैं 2 बजे सोता था, 3 बजे सोता था और आफ्टरनून में 2-3 बजे उठता था। मतलब कि लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट होता था, मतलब बहुत बेकार हो गया था। तो सोचा कि अपना रूटीन थोड़ा ठीक करा जाए और एक्सरसाइज वगैरह करा जाए, वर्कआउट वगैरह करा जाए। तो अभी धीरे 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 देखते हैं आगे कैसा होता है और ऐसे ही कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि यार मैं ना बहुत लेजी इंसान हूँ, मेरे से कुछ होता नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अभी मैं जल्दी जल्दी उठूँ और जल्दी जल्दी कंटिन्यू करूँ, सब ठीक करूँ ये सब। बस मैंने ये देखा है कि अगर आप जल्दी सुबह उठते होते हैं और आपको क्या अलग ही फील होता है, मतलब एनर्जेटिक लगता है बहुत। आप रनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, तो जिम तो अभी जा नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है और जिम वगैरह सब बंद है, तो अच्छा अच्छा लगता है। मतलब कि सुबह उठना, मतलब मेरे लिए, मेरे ऐसे इंसान के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यार मैं ना मैं आफ्टरनून में उठता था, मतलब 2-3 महीने से मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया था बहुत बुरी तरीके से। तो अभी इसे सोचा कि थोड़ा ठीक कर लूँ। तो अभी वर्कआउट हो गया है मेरा, मैं जा रहा हूँ अभी घर और देखते हैं अभी घर पे जाके ब्रेकफास्ट करूँगा मैं। तो गाइस अभी मैं ब्रेकफास्ट होने के बाद में थोड़ी देर के लिए सो गया था। तो गाइस अभी ऐसा सोचा है मैंने कि मेरे रूम को थोड़ा, मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं रूम पे, मतलब कि जो पेंटिंग वगैरह करना है, और मैंने जो मेरा बेड है वो दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो मुझे एक अच्छा मैट्रेस लेना है मेरे रूम के लिए, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब मुझे एक वॉल पेंटिंग भी लेना है अच्छी सी, और भी कुछ चीज़ें चेंज करना है। तो अब मुझे इतना पता नहीं कि अभी कितना टाइम लगेगा वो सब चीज़ें होने में, शायद तक कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा, कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट ब्लॉग तक के, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसा रूम है। मतलब मेरे दिमाग में इसलिए ऐसा आया कि मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम में, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, रील्स देख रहा था, तो उसमें मुझे अच्छा लगा कि उसने डेकोरेट अच्छा करा था रूम को अपने। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए करके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने कुछ करा नहीं चेंजेस मेरे रूम में, तो करते हैं अभी। तो गाइस अभी शाम को साइकिलिंग भी जाना है, मैं और आज बात कर रहे थे कल रात को कि क्या करें, शाम को बहुत बोर होता है, तो ऐसे ही प्लान बन गया कि साइकिलिंग चलते हैं करके। और निशिका तो आ नहीं सकती क्योंकि उसका कुछ इश्यू हो गया है घर पर, तो हम लोग अभी जाने वाले हैं आज शायद तक कि हम वापस जाएंगे, तो देखते हैं कितना मज़ा आता है। वैसे तो लॉकडाउन है तो शायद ही मज़ा आएगा, पर देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे पैदल चल रहे हैं स्ट्रीट में, और ये मेरा दोस्त आर्स, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम लोग साइकिलिंग जाने वाले। तो अभी थोड़ा वॉकिंग कर रहे हैं हम लोग और कंटिन्यू करते हैं साइकिलिंग। वैसे तो बहुत थक गए आज, बहुत दिनों के बाद साइकिलिंग करके बहुत सांस फूल रही है। जूस पीने के लिए रुके हैं और इसके बाद में हम लोग अभी घर जाने वाले हैं, क्योंकि यार बाहर बहुत पुलिस वगैरह है, और अभी हम लोग जा रहे थे तो हमको पुलिस वाले ने रोका भी था कि कहाँ से हो, एड्रेस वगैरह पूछ रहे थे हमारा, पर इतना कुछ था नहीं क्योंकि आज मैं सुबह गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतना कुछ है नहीं, मतलब कि पुलिस वाले रोक रहे ही नहीं है, मतलब नॉर्मल वॉकिंग साइकिलिंग तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, पर फिर उन्हें रोक के हमको नाम वगैरह पूछ रहे थे हमारा, फिर थोड़ा बहुत वापस सीन हुआ, पर वो हो गया, सॉल्व हो गया है। मतलब अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तो अभी मैं आपको सीधा घर पे मिलता हूँ।
see the hope, the reasons why. I lose myself in these city nights.